पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना दल ने बढ़ाई सक्रियता। आगामी चुनाव को देखते हुए गंभीर अनुप्रिया पटेल। अब अनुप्रिया पटेल करेंगी दौरों का दौर शुरू। बीजेपी से ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं को दिए सख्त निर्देश। जिलों के कार्यकर्ताओं की अनुप्रिया पटेल ने कसी कमान। विधानसभा चुनाव से पहले अपना दल एस ने मोर्चा संभाल लिया है। भले ही अभी सीटों की हिस्सेदारी पर बीजेपी ने फैसला न सुनाया हो, लेकिन अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल की तरफ से लगातार सक्रियता बरती जा रही है और आगामी चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल दिशा निर्देश भी लगातार जारी कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल का साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुप्रिया पटेल ने माल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर तमाम सांगठनिक फेरबदल किए। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला स्तर पर बैठक करूंगी। बैठक में फ्रंटल संगठनों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने युवा एवं तेज तर्रार महिला नेता अलका पटेल को पार्टी की महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। इसके अलावा एडवोकेट अभिषेक चौबे को विधि मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी के महत्वपूर्ण फ्रंटल संगठन युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विजय चौरसिया को सौंपी गई है। इनके अलावा अजीत सिंह चांसलर को छात्र मंच का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि पार्टी के दिवंगत राष्ट्रीय महासचिव अजय प्रताप सिंह के निधन से रिक्त हुए पद पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पत्रकारिता जगत से ताल्लुक रखने वाले राघवेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। बैठक के दौरान डॉक्टर सोनेलाल पटेल के पुराने सहयोगी रहे आरवी सिंह सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा स्तर पर प्रभारियों की तैनाती कर ली गई है। इसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। कई टीवी चैनल्स पर पार्टी का पक्ष रखने के लिए जल्द ही 10 सदस्यीय मीडिया पैनल की घोषणा की जाएगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं को चुनावी दृष्टि से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने की योजना है। सितंबर में ही एक सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। पार्टी की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने पदाधिकारियों से गुलदस्ता संस्कृति बंद करने की अपील की है। अब मुलाकात के दौरान पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता या फिर कोई भी आगंतुक गुलदस्ते की बजाय महापुरुषों की फोटो भेंट करेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के संग बैठक के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की संग बैठक की गई। पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों के संग बैठक करने की बात कही गई है और उन्हें जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अनुप्रिया पटेल की तरफ से जारी सक्रियता का साफ संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना दल ज्यादा सीटों की डिमांड भी कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उसकी कोशिश भी है। ये कोशिश कितनी रंग लाएगी वो चुनावी नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।